जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जिम्नोस्पर्म। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम प्लांटी, एंड इन द लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जिम्नोस्पर्म। So as you all know, the kingdom Plantae, it is divided into two divisions, that is cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy means the plants which without seeds, the seedless plants are, they come under cryptogamy. And what were the groups under this? Divisions were thallophyta, bryophyta and pteridophyta. So that we have already discussed. Now today we will discuss the next division, that is phanerogamy. So phanerogamy means the plants with seed. So the plants with seed, they come under the category of phanerogamy. Now phanerogamy mein do aate hain classes, that is your do groups aate hain, gymnosperm and angiosperm. So let's talk about the gymnosperm. Gymnosperm ki agar hum baat karein, so gymnosperm, as you all know, ye jo gymnosperm hai inme naked seed hoti hai. And if you see the literal meaning of the word gymnosperm, gymnos means hota hai naked and sperma means hota hai seed. So the plants with naked seeds, all the plants with naked seeds means seed jo hai yahan pe uske upar koi covering nahi hoti hai. Okay, that means ki seed is not enclosed in any ovary. ओके, ओवरी के अंदर सीड नहीं होती है. सो सच प्लांट्स कम अंडर जिम्नोस्पर्म. नाउ ये जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप है, इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी. मींस यू कैन सी अ मीडियम साइज ट्री, देन अ टॉल ट्री, देन श्रब्स आल्सो. तो इस कैटेगरी, इस जिम्नोस्पर्म में सब तरह के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे एक प्लांट है, दैट इज़ अ सीक्वा. ओके, सीक्वा दैट इज़ नोन एज अ जायंट रेड वुड ट्री. ओके, इसको जॉइंट रेडवुड ट्री कॉमनली बोलते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज़. ये टॉलेस्ट स्पीशीज़ है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द प्लांट्स विच कम अंडर जिम्नोस्पर्म. नाउ ये जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें रूट्स जो हैं, रूट्स जो प्रेजेंट होती हैं, इन सम ऑफ द जीनस दे हैव अ फंगल एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माइकोराइजा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और ये पाइनस में पाया जाता है. जिम्नोस्पर्म में बेसिकली जो है दो तरह के प्लांट्स हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, पाइनस एंड साइकस, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो ये जो माइकोराइजा एसोसिएशन देखने को मिलती है, दैट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये पाइनस, जो पाइनस प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, उसमें आती है. नाउ इसमें जो माइकोराइजा एसोसिएशन होती है, सो हम पढ़ते हैं कि जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट. सो हायर प्लांट्स का यहाँ मतलब है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी हैं, ये बिल्कुल एडवांस्ड कैटेगरीज हैं, जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइटा, ये सब इन सब कैटेगरीज़ में यू विल नॉट फाइंड वेरी डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स, और यू कैन से वेरी डिस्टिंक्ट फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है, ये जो है इसीलिए इनको हायर प्लांट्स कहा जाता है, और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ ये एसोसिएट करके क्या बनाते हैं, माइकोराइजा. ओके, अब ये इसमें क्या होता है कि जो फंगल होता है, फंगल और प्लांट की रूट की प्लांट्स में क्लोज एसोसिएशन होता है. फंगल जो है क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, जो प्लांट्स को चाहिए रहता है प्रोटीन्स बनाने के लिए. सो दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट, और प्लांट इन रिटर्न जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो उसी के किसी एक पार्ट में रहता है रूट्स के. सो इन दिस वे इट प्रोवाइड शेल्टर ऑल्सो एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. नाउ कुछ स्पेशल रूट्स जो होती हैं, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, सच टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज कोलोराइड रूट्स.
ये क्लोराइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लेके फिक्स करते हैं सो दैट प्लांट कैन ईजली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. ओके, नाउ इसमें ये इसमें जो है साइकस इज़ द एग्जाम्पल जिसमें आपको क्लोराइड रूट देखने को मिलेगी. एंड माइकोराइजा, इन माइकोराइजा, इन पाइनस यू कैन सी माइकोराइजा. ओके, नाउ इसमें जो स्टेम होती है, स्टेम जो होती है इन प्लांट्स की, दैट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो एंड दैट कैन बी अनब्रांच्ड ऑल्सो. ओके, इन केस ऑफ साइकस इट इज़ अनब्रांच्ड, देन इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रांच देन पाइनस, सिड्रस, ये सब में ब्रांच होती है. नाउ लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं इट इज़ सिंपल ऑल्सो, लाइक सिंपल लीव जैसे होती है मैंगो की, और इट कैन बी कंपाउंड ऑल्सो. ठीक है, जब लीव्स जो हैं बहुत सारी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं. एंड इन साइकस यू मे फाइंड कंपाउंड जो पिनेट लीव्स, जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स जब बहुत सारी लीव्स में, छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो जाती हैं, ओके, उनका रैकिस, तो वो पिनेट लीव्स बन जाती हैं. और ये जो है पिनेट लीव इन केस ऑफ साइकस ये कुछ टाइम तक परसिस्ट भी करती हैं. नाउ एक और स्पीशीज़ है जिम्नोस्पर्म की, हेयर इट इज़ आई वुड लाइक टू मैंशन, इट इज़ नॉट मैंशन इन द नोट्स, दैट इज़ जिंको बायलोबा. जिंको बायलोबा जो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म और इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है. ठीक है, फॉसिल यू नो ऑल नो कि डेड रिमेन्स होते हैं जो कि बहुत सालों तक अर्थ में प्रिजर्व हो जाते हैं, सो दैट इज़ फॉसिल. पर यहाँ लिविंग भी कहा गया है, मीन्स कि आपको वो प्लांट भी मिलेगा और उसके फॉसिल्स भी आपको मिलेंगे अर्थ में. सो दैट्स वाई दिस जिंको बायलोबा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेम्बर ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म. ओके, नाउ इसमें जो है इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो हैं यूजुअली निडल लाइक होती हैं, जिससे कि जो है बहुत सारा एक्सेसिव जो ट्रांसपिरेशन है वो ना हो सके. ओके, और इसीलिए इनके स्टोमेटा भी हैं वो संकन होते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं बेसिक मोस्टली हिली रीजन्स में पाए जाते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मोर, क्योंकि बहुत टॉप पे ये प्लांट्स होते हैं. सो जस्ट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर दे हैव अ थिक क्यूटिकल ऑल्सो एंड दे हैव अ संकन स्टोमेटा. नाउ ओके, नाउ जिम्नोस्पर्म का एक इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर है, दैट इज दे आर हिट्रोस्पोरस. हिट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. ओके, हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, हिट्रो. सो और ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे, और मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स. अगर माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो वो जो है मेल गैमिटोफाइट बनाएंगे, और मेगा स्पोर्स जो हैं वो फीमेल गैमिटोफाइट बनाएंगे. ओके, नाउ ये जो स्पोर्स होते हैं ये जो हैं प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ स्पोरेंजिया. ठीक है, राउंड ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन्हीं में ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये स्पोरेंजिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. सब तरह की लीव्स ऐसी नहीं होती हैं, कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. और ये स्पोरोफिल्स जो लीव्स होती हैं ये स्पायरली अरेंज होती हैं, स्पायरल लाइक. ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है उस तरह अरेंज होती हैं, और ये सब कुछ ये मिल के एक क्या है स्ट्रॉबलस कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इसी में जो है स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो कोन की हमने बात की, अब ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट मीन्स कि दो तरह के कोन्स होंगे, एक होगा आपका मेल कोन और एक होगा फीमेल कोन. टू टाइप्स ऑफ कोन्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो दैट मीन्स कि हम इसको स्ट्रॉबिलस भी बोल सकते हैं और कोन्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम है. नाउ जो मेल स्ट्रॉबिलस होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे उसमें, क्योंकि स्पोरोफिल्स जो हैं जो लीव्स हैं, अगर मेल कोन बन रहा है तो माइक्रो, क्योंकि माइक्रो वर्ड जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है और मेगा फीमेल के लिए इन केस ऑफ प्लांट्स. सो माइक्रोस्पोरोफिल्स में ये स्ट्रॉबलस ये कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और इसी में ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं. ओके, नाउ ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे, ये जो जब माइक्रोस्पोर्स रिलीज होंगे, ओके, यही जो हैं जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये डेवलप होंगे मेल गैमिटोफाइट में. ओके, और
इसको जो है हम पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेल ये जो माइक्रोस्पोर्स रिलीज होंगे दैट आर पॉलन ग्रेन्स, ओके। नाउ ये जो पॉलन ग्रेन जो है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा इनका डेवलपमेंट, ओके। नाउ मेगास्पोर की बात करते हैं इन द सेम वे लाइक माइक्रोस्पोर, सॉरी मेल कोन, फीमेल कोन्स जो हैं ये कौन सी लीव्स में प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरोफिल, जो स्पेशल टाइप की लीव्स होंगी वो होंगी मेगास्पोरोफिल, और इन्हीं में ओव्यूल्स होंगे जिसको हम मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, और इसी मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स होंगे जिसको ओव्यूल कहा गया है, इसीलिए इसको मैक्रोस्पोरेंजिएट भी कहा जाता है या फीमेल स्ट्रोबिलाई, ओके। नाउ अब ये जो कोन्स हैं ये हो सकता है कि दे दीज कोन्स बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और दे मे बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। अगर ये सेम ट्रीज में प्रेजेंट हैं दैट मीन्स द ट्रीज अगर बाईसेक्चुअल है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। पाइनस में ये सेम ट्री में प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ साइकस दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ट्रीज, दैट मीन्स यूनिसेक्चुअल। अब क्या होता है, अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं, तो इसमें से कोई भी एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगता है, और इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन होता है जिसकी वजह से क्या है, फोर मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। टू पहले बनते हैं, फिर टू से फोर बनते हैं। अब ये फोर जो मेगास्पोर्स होते हैं इसमें तीन तो डीजनरेट हो जाता है, एक ही मेगास्पोर होता है जो कि बचता है, ओके। नाउ अब ये जो यही जो मेगास्पोर हैं, ये जो द वन विच इज लेफ्ट दैट डेवलप इंटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमिटोफाइट, यही मल्टी सेलुलर फीमेल गैमिटोफाइट बनाता है जिसमें आर्किगोनिया होते हैं। अब जो मेल स्ट्रोबिलाई से आपका मेल कोन से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, वो उसी तरह जैसे एंजियोस्पर्म में होता है, वो आते हैं, पॉलिनेशन होता है, मीन्स वो माउथ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और पॉलिनेशन होता है, और ये जो फीमेल पॉलिनेशन होता है और फाइनली जो है सीड बन जाता है, ओके। नाउ यहाँ पे कोई भी ओव्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ वन मोर थिंग हेयर आई वुड लाइक टू से कि आपने जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि इसमें जो गैमिटोफाइट जो होता है वो फ्री होता है, मीन्स वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, बट हेयर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो गैमिटोफाइट होता है, मेल और फीमेल गैमिटोफाइट व्हाटएवर, ये जो है फ्री नहीं होता है, बल्कि ये स्पोरेंजिया के ही अंदर रहता है, ओके। और पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज होते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक एयर, या फिर एयर के साथ या फिर कोई और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के हेल्प से ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, किसके, आपके ओव्यूल के, माइक्रो मेगास्पोर्स के, और देन इट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एंड फाइनली जो है ओव्यूल जो है वो सीड बना देता है। एंड हेयर द सीड्स, एज यू ऑल नो, सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ओवरी नहीं होती है। सो दिस इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म, ओके। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द जिम्नोस्पर्म। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबडी।